व्हाट्स अप गाइस, थैंक फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मेरा नाम है मनीष और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने चैनल द परफ्यूम लैब पे। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है प्लेबॉय के डियो के ऊपर, जिसका नाम है VIP। काफ़ी अच्छी इसकी खुशबू है। अच्छी मैं इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं 21 साल का था तब मैं इस परफ्यूम को यूज़ किया करता था। मतलब मुझे उस वक्त पता भी नहीं था कि इसके क्या नोट्स है क्या नहीं, बट मुझे खुशबू अच्छी लगती थी। और उस वक्त भी जैसे मैं इसको लगा के जिम में जाया करता था तो लोग काफ़ी बोलते थे कि कौन सी खुशबू लगा रखी है, क्या है। 2011 और 2012 के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त प्लेबॉय वर्ड अपने आप में काफ़ी इम्प्रेसिव था। मतलब प्लेबॉय का कुछ लोग कुछ और मतलब निकालते थे, और जब प्लेबॉय की बात होती है तो लोग यही उम्मीद करते हैं कि जो फ्रेगनेंस है, जो खुशबू है, वो भी एक स्टर टाइप हो, एक यू नो मैस्कुलिन फ्रेगनेंस हो, एक यूनिक खुशबू हो, अच्छी खुशबू हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे वक्त के साथ साथ ये जो ब्रांड है और ये जो नाम है ये काफ़ी अनरेटेड होता गया। काफ़ी लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि ये प्लेबॉय है कौन सा ब्रांड। लोगों को लगे कोई लोकल ब्रांड है, बट एक्चुअली ये पोर्चुगल का ब्रांड है। काफ़ी यूनिक फ्रेगनेंस है इसकी। इसके जितने भी आप वेरिएंट देखोगे, न्यूयॉर्क, हॉलीवुड, ये सारे के सारे ही एकदम अलग खुशबू है इनके अलग। एक इवन ये EDT है, बट इसकी जो लॉन्जेबिलिटी है वो काफ़ी शानदार है। बहुत ही अच्छी जो है खुशबू है। तो कई समय से मतलब मेरे दिमाग में बात चल रही थी कि क्यों ना जब हम परफ्यूम का रिव्यू कर ही रहे हैं तो क्यों ना जो अपने बचपन की यादें हैं वो भी ताज़ा की जाए। तो मैंने एक प्लेबॉय डियो ऑर्डर किया था, ये उसकी बॉटल है, इसको मैंने ऑर्डर किया था। तो मैं बोला चलो इसका रिव्यू भी कर लेते हैं। रिव्यू करूँ इससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आप एक नए व्यूअर हैं, आपको मेरा काम अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए मेरे वीडियोस को। आपको अगर मेरा काम अच्छा नहीं भी लग रहा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या दिक्कत है और मेरे वीडियो में मैं क्या सुधारूँ। उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ओपिनियन है, कोई भी परफ्यूम के बारे में आपको डाउट है, नोट्स के बारे में डाउट है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले इस बॉटल का रिव्यू ज़रूर देखिएगा इस वीडियो में। ओके गाइस, जो बॉटल है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, ये आप देख सकते हो। ब्लैक बॉटल है, स्टील की बॉटल है ये। गोल्डन कलर में VIP लिखा हुआ है। पहले ये नॉर्मल स्प्रे में आता था, मतलब जैसे अभी आप देख रहे हो इस तरीके से घूम रहा है, ये पॉज का बटन है। अब ये नहीं स्प्रे होगा, वो जब प्ले का बटन आएगा तब ये स्प्रे होगा, है ना, इस तरीके से। ओके, सो प्राइस देख लेते हैं। यहाँ पे प्राइस 299 है, बट ऑनलाइन 130-120 के आसपास मिल गया था। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। पेरिस फ्रेंच, यहाँ पे लिखा है मेड इन पोर्चुगल। ओके, काफ़ी अच्छी इसकी खुशबू है, हल्का सा स्प्रे करने पे ही पूरा रूम महक रहा है। जीरो % एल्युमिनियम सॉल्ट एंटी वाइट मास्क प्लेबॉय 150 ml फॉर हिम। तो इस तरीके की बॉटल है ये, ये प्लेबॉय का सिंबल यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। तो उम्मीद है आपने वो वीडियो देखा होगा, आपको ये बॉटल समझ में आई होगी कैसी इसकी बॉटल है क्या नहीं है। इसकी जो ओपनिंग है कुछ इस तरीके से होती है। गैस है ये, इसका लिक्विड वेरिएंट परफ्यूम में अवेलेबल है, 435-436 के आसपास है। इसकी जो MRP है वो मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे तो लिखा नहीं है, 299 की इसकी MRP है, बट मैंने ऑनलाइन परचेस किया था तो मुझे 130 के आसपास मिल गई थी। जो भी है वो मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ इसकी खुशबू कैसी है। इस तरीके से ओपन होता है, गैस है ये, लिक्विड नहीं है।
बैगमट की खुशबू पहले आई है, इसके साथ रम की भी फ्रेगनेंस है। इसके जो नोट्स हैं जो ऑफिशियल अवेलेबल है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप देख सकते हो यहाँ पे। इसकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि इसमें वाइट चॉकलेट का भी इस्तेमाल किया गया है, साथ में सैंडलवुड का भी इस्तेमाल किया गया है। जिस परफ्यूम में सैंडलवुड एज अ बेस नोट इस्तेमाल होता है, वो खुशबू अपने आप में है एक, मतलब कहते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग खुशबू बन जाती है, मैस्कुलिन बन जाती है। क्योंकि जो ऊद है, सैंडलवुड है, मस्क है, ये ऐसे नोट्स, वेनिला है, ये ऐसे नोट्स है जो अगर बॉटम में आते हैं तो जो परफ्यूम की स्ट्रेंथ है और उसकी खुशबू है उसको स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, लॉन्जेबिलिटी को थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो जैसा मैं बता रहा हूँ, थोड़ी स्वीट फ्रेगनेंस भी है ये, अच्छी फ्रेगनेंस भी है ये, लेवेंडर का भी इसमें टच है, रम का भी टच है इसके अंदर, इसी खुशबू थोड़ी सी खट्टी भी है, मतलब एप्पल का भी ग्रीन एप्पल का भी इस्तेमाल किया गया है। फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, यूनिक है, लग्जरी फ्रेगनेंस में भी आती है ये। मतलब ये जो डियो है, आपको लगता ही है कि नॉर्मल सा ब्रांड है, प्लेबॉय है, लेकिन एक्चुअली में नॉर्मल ब्रांड नहीं है। 2011 और 2010 का जो समय था, उस टाइम पे इसका काफ़ी बोलबाला था, लोग काफ़ी इसके फ़ैन थे, आज भी लोग फ़ैन हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि इतने सारे ऑप्शन आने के बाद एक जो पुराने ब्रांड है कोई पूछता नहीं है, जैसे ब्रूट और ओल्ड स्पाइस तो एक अलग चीज़ है, लेकिन प्लेबॉय को काफ़ी लोग मतलब भूल चुके हैं। मतलब ऑनलाइन भी अमेजोन पे कभी कभी तो ये जो है आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, या जो मेरी लोकेशन है वहाँ पर डिलीवर नहीं होता, क्योंकि इसके जो सेलर है वो काफ़ी कम है। बट ओवरऑल देखिए, मैं आपके सामने इसके लिए खड़ा हूँ कि मैं आपको अच्छी खुशबू बारे में बता सकूँ, जो खुशबू आपको पता भी नहीं है कि भाई खुशबू कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ से लेना है, क्या मार्केट में ऐसी भी खुशबू है, या ऐसी खुशबू कैसे बनती है, क्या नहीं है। तो जो सारे डाउट हैं आपके, वो क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। और जो ऐसी खुशबू है जो कि यूनिक है, जो आपको यूज़ करनी चाहिए लाइफ में, एक बार आपको पता होनी चाहिए कि ये खुशबू कैसी होती है, एक्चुअली कैसी महकती है, तो वो डाउट क्लियर करने के लिए मैं आपके साथ यहाँ पे हूँ, ठीक है। ये जो खुशबू है वो आपको एक समझ में आए, मेरी यही कोशिश है। बात कर लेता हूँ लॉन्जेबिलिटी की, इसको मैंने इस्तेमाल किया था, ये गैस डियो है। मैं पहले बता दूँ कि मैं सिर्फ क्लोज स्पेस में था, मतलब मैं अपने जो मेरा ऑफिस है मैं वहीं था, उसके अलावा बाहर गया नहीं। दूसरी बात, ठंड का मौसम है, ठीक है, और तीसरी बात, यहाँ पे इतनी धूप पड़ती नहीं है, तो उसकी वजह से जो इसकी लॉन्जेबिलिटी है, देखिए तीन चीज़ का महत्व बहुत ज़रूरी होता है जब आप लॉन्जेबिलिटी की बात करते हो, एक तो मौसम, दूसरा एरिया, तीसरा टेम्परेचर। इन तीनों चीज़ से पता चलती है कि लॉन्जेबिलिटी ज़्यादा है या कम है। अब जब मैंने इसको ठंड में लगाया है, बंद स्पेस में लगाया है, तो लॉन्जेबिलिटी बढ़ गई है, लेकिन अगर मैं यही लगा के बाहर घूमता तो ऑब्वियसली लॉन्जेबिलिटी कम हो जाती। तो ये बताना ज़रूरी था कि मेरी लोकेशन क्या है और मैं कहाँ था, इसके मैंने आपको बताया। ठंड का मौसम था तो उसकी लॉन्जेबिलिटी 8 से 9 घंटे तक आराम से थी, मैंने बॉडी पे लगाया, कपड़ों पे नहीं लगाया। और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि जब आप गैस डियो यूज़ करते हो तो कपड़ों पे इस्तेमाल मत करो, बॉडी पे इस्तेमाल करो, ठीक है। इसमें अल्कोहल भी है तो उसका ध्यान रखिएगा। तो इसको आप कहीं भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, ऑफिस में लगाइए, आप कॉलेज जाते हो तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हो, मीटिंग, पार्टी, शादी, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशली एक्चुअली ये जो नाइट में जो इवेंट्स होते हैं, जैसे पार्टी है, शादी है, उसके लिए बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो इससे जो खुशबू है, जो स्वीटनेस है, वो वैसे हालातों के लिए ही प्रिफर की जाती है, बट फिर भी आपकी थिंकिंग है। जिम की बात करूँ तो मेरे हिसाब से इसको जिम में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिम ऐसी, मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि बस सिट्रसी जो फ्रेगनेंस होती है, जो खट्टी होती है, वो स्वेट को ज़्यादा रोकने में कामयाब होती हैं। ऐसी खुशबू इतनी नहीं होती, बट ठीक है, आप अगर लगाना चाहते हो, दूसरा ऑप्शन नहीं है तो उसको लगा सकते हो। ओवरऑल बहुत अच्छी खुशबू है, आपको एक प्लीजेंट फ्रेगनेंस देगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि आपको सर पे चढ़े, ऐसी भी नहीं है, किसी को भी हेडेक नहीं करेगी। बस जो स्प्रे है, जो इसकी खुशबू है, वो तभी काम करेगी जब इसको हार्ड स्प्रे करोगे। मेरे कहने का मतलब, इसको खोलने के बाद में पूरे बॉडी पे इस तरीके से एक्स बनाते हुए गर्दन के चारों तरफ, और इस तरीके से काम हो जाए, चाहे तो आप सेंटर ऑफ चेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ये खुशबू इस तरीके से अप्लाई करोगे तब जाके ही जो है फैलेगी, अदरवाइज ये इसकी इतनी लॉन्जेबिलिटी ज़्यादा नहीं होगी अगर आप ठीक से नहीं लगाओगे तो, क्योंकि ये गैस है, गैस तो अधिकतर उड़ ही जाता है, लिक्विड होता तो एक अलग बात थी, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको इसका रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर भी करना, और अपने जो दोस्त हैं आसपास के उनमें भी शेयर करना। और अगर नए सब्सक्राइबर हो, एक नए व्यूअर हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा है, मेरी बातें अच्छी लगी है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। नहीं भी लगी है तो ये भी कमेंट करके बताना कि क्यों नहीं लगी है। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा।
ये डीओ के बारे में आपको जो मैंने बात बताई आपको समझ में आई होगी। अगर ये डीओ आपको पसंद आया है, आपको परचेस करना है, तो नीचे लिंक दे रहा हूँ, उसमें जाके जरूर क्लिक करके उसको परचेस करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।